नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है अनिष्का किचन में। सुबह हो गई है और सुबह के 7 बज गए हैं और बहुत ही अच्छी धूप निकल आई है। आज हम बनाने जा रहे हैं उरहा का निमोना। हमारे गांव में जो चना है उसको उरहा बोलते हैं और इसको आप किसी भी सब्जी में डाल सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और ये मार्च और अप्रैल के ही सीजन में ये होता है उरहा जो है। इसको हमारे गाँव में भूज के भी खाते हैं, लेकिन इसका दोस्तों निमोना बहुत अच्छा लगता है। तो चलते हैं, आज हम भी निमोना बनाएंगे। तो चलते हैं खेत से, हम भी चने को लेते हैं ताजे। देखिए चने खेत में हम आ गए हैं और आप देख सकते हैं कि चना जो है ये सूख रहा है और ये जो सूख कर होता है ये चना सूखा वाला हो जाता है जो, तो इसको हम भिगो कर इसका घूरी बनता है और ऐसे भिगो के लोग खाते हैं सुबह। ये बहुत ही फायदेमंद होता है। तो हम चने को उखाड़ते हैं खेत में से। ये देखिए इसमें बहुत दानेदार चने हो गए हैं और इसको ऐसे ही भून के भी लोग खाते हैं हमारे गांव में। इसको उरहा बोलते हैं और इसी सीजन में महीने में निकलता है, मार्च और अप्रैल में ही। तब ये धीरे पकने लगे हैं। इसका जो चना होता है पीट पाट के स्टोर करके लोग रख लेते हैं, तो इसको पानी में भिगो कर भी खाते हैं। तो हमें जितना चाहिए निमोना के लिए उस तरफ से हम पेड़ को उखाड़ लेंगे इस तरीके से। ये देखिए छील के दिखाऊँ, देखिए इस तरीके से हरे चने निकलते हैं इसमें से। ये देखिए जब ये पकते आते सूख जाता है और ये भूरे कलर का हो जाता है, काले और भूरे कलर में हो जाता है। तो यहाँ देखिए घने चने हुए हैं, सबको हम उखाड़ लेते हैं जितना हमें ज़रूरत है यहाँ पर निमोना बनाने के लिए। देखिए यहाँ पे चने को हमने ले लिया है और चलते हैं अब इसको छीलते हैं। तो यहाँ पे देखिए मम्मी पापा जो कि चने को छिलवा रहे हैं और मैं भी छीलती हूँ चने को। तो क्योंकि चना छिलने में टाइम लगता है तो सभी लोग मिलके हम चना छिलवा दे रहे हैं निमोना बनाने के लिए। और इसका जो कि घुघरी बनता है चने का, बहुत ही अच्छा लगता है घुघरी। और ऐसे ही इसके दाने जो है सब्जी में किसी में भी डाल दीजिए, भुजिया वाले में, वो भी अच्छे लगते हैं खाने में। तो और हम चना जो कि छील लेते हैं। चूल्हे पर देखिए पतीला को हमने रख दिया है और इसमें मैं चावल बनाऊँगी। तो चूल्हे में ईंधन को जला लेती हूँ पहले, क्योंकि निमोना के साथ चावल बहुत अच्छा लगता है तो हम चावल ज़्यादा ही बनाएंगे खाने के लिए। यहाँ पे मैंने चावल लिया है और इसमें जो धान है उसको हम निकाल लेते हैं चावल में से। ये हमारे घर का चावल है। चावल को यहाँ पे हम धो लेते हैं। इसमें एक जो धान था वो हमने बिन के हटा दिया है, इसको साफ पानी से हम 2-3 बार धो लेंगे तो चावल साफ हो जाएगा। चावल यहाँ पे हमने धो लिया है, अब इसको डाल लेते हैं पतीले में। यहाँ पे देखिए निमोना बनाने के लिए मैंने प्याज और टमाटर, आलू और हरा मिर्च लिया है। सबको हम छील लेते हैं और काट भी लेते हैं। यहाँ पे देखिए चने को जो हमने छीला था इसको हम धो लेते हैं। ये देखने में साफ लगता है लेकिन छीलते समय गंदा हो जाता है, काला पड़ जाता है। इसको धो लेते हैं साफ पानी से। चने को यहाँ पे धो लिया है मैंने, अब इसको मैं सिलबट्टे पीस लेती हूँ। इस तरीके से पीसूंगी, ज़्यादा महीन नहीं पीसना है, दरदराई पीसना है निमोना बनाने के लिए। दरदराई ही जो कि इसका निमोना बनता है तो बहुत अच्छा लगता है। इस तरीके से देखिए मैंने पीसा है दरदराई, इसको उठा लेते हैं। बाकी चने को भी हम सिलबट्टे भी इसी तरीके से पीसेंगे। यहाँ पे चावल जो कि मेरा हो गया है इसको हम ना नीचे उपले वाली आग पे रख देते हैं, क्योंकि नया चावल है तो नया चावल थोड़ा सा गीला हो ही जाता है, तो इसको उपले वाली आग पे रख देंगे इस तरीके से। तो अच्छे से नीचे से एकदम सुनहा जाएगा चावल, इसको ढक देते हैं। यहाँ पे देखिए काटने वाला हमने मशीन ले रखा है, ये मेले में गए थे तो ये हमने काटने वाला सब्जी जो है मशीन लिया है। इससे बहुत अच्छा कट जाता है, इसमें टमाटर और प्याज आसानी से कट जाता है, बाकी जो नरम चीज़ें होती है वो भी कट जाती हैं। देखिए इस तरीके से इसको हम इस तरीके से देखिए दबाकर काट लेते हैं, इसको भी काट लेते हैं। टमाटर को हमने काट दिया है, अब हम प्याज को भी काटेंगे। नीचे थाली लगा लेंगे और प्याज को देखिए इसमें डाल देंगे और झटके से इसको दबाएंगे तो प्याज कट जाता है इस तरीके से। देखिए यहाँ पे हमने 4-5 मिर्च लिया है हरी, इसको इसी में डालेंगे। डाल देते हैं मिर्च को, अब इसमें दबाकर काट लेंगे। चावल हमारा हो गया है तो हम कढ़ाई को रखेंगे, निमोना बनाएंगे।
कढ़ाई हमारा गर्म हो गया है, इसमें डालेंगे हम सरसों का तेल। तेल गर्म हो गया, इसमें डालेंगे हम पचफोरन। और यहाँ पे देखिए दो ठे हमने कोहरौरी या इसको गांव में बरी बोलते हैं, इसको फोड़ के हम डाल देंगे। और कटा हुआ प्याज और साथ में हरी मिर्च इसको भी डाल देते हैं। और इसको हम प्याज को लाल होने तक भूनेंगे। प्याज को यहाँ पे लाल होने तक हमने भून लिया है, अब इसमें हम कटे हुए आलू को डाल देंगे। आलू को भी थोड़ा सा भूनेंगे हम थोड़ी देर तक। आलू को देखिए थोड़ा अच्छे तरीके से हमने भून लिया है थोड़ी देर तक। अब उसके बाद पिसा हुआ चना डाल देंगे इसमें। अब इसको भी हम भूनेंगे। इसमें हम नमक भी डाल देते हैं स्वाद के अनुसार। नमक को डाल दिया, अब इसको थोड़ी देर तक और भून लेते हैं चने को। जितना इसको भूनेंगे उतना ही अच्छा ये टेस्ट आता है निमोने का। नमक डालकर हमने 2-3 मिनट तक और इसको भून लिया है अच्छे तरीके से। अब इसमें हम कटे हुए टमाटर को डाल देते हैं। टमाटर डालने के बाद थोड़ी देर तक और हम भूनेंगे टमाटर के साथ चने को भी और आलू को भी। नमक डाला है तो जल्दी टमाटर भी हमारा गल जाएगा और आलू भी थोड़ा पकने लगेगा। यहाँ पे टमाटर भी हमारे गलने लगे, अब इसमें हम सारे मसाले डाल देंगे। तो यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल लेते हैं, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल लेते हैं। और धनिया पाउडर भी डाल देंगे 1 चम्मच। और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे मसाला भूनने के लिए, ताकि मसाले जो हमारे जले ना। थोड़ा सा और पानी डालेंगे। यहाँ पे देखिए निमोने वाला जो मसाला था अच्छे से भून गया, देखिए गाढ़ा भी हो गया, टमाटर भी गल गया है। अब इसमें हम पानी डालेंगे, जूस के अनुसार अपना पानी डाल देते हैं इसमें। थोड़ा सा पानी और डालते हैं। अब इसको हम पका लेंगे, ढक देते हैं थाली से। निमोने में देखिए हमारे उबाल आ गया है, इसको चला देते हैं। और इसमें डालेंगे हम 1/2 चम्मच गरम मसाला भी डाल देते हैं ऊपर से। इसको हम चला देंगे जो मसाला अच्छे से सब्जी में मिल जाए। मसाला डालने के बाद इसको 2-3 मिनट तक हम और पकाएंगे। मसाला हमारा पक गया है और 3 से 4 मिनट काफ़ी देर तक हमने पकाया मसाला डालने के बाद। ऊपर से धनिया की पत्तियों को डाल देते हैं, हरे कटे हुए धनिया की पत्तियों को डाल देते हैं ऊपर से। और निमोना में देसी घी ना पड़े तो सब्जी फीकी ही रह जाएगी, इसलिए हम देसी घी भी डालेंगे 1 चम्मच ऊपर से। इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है निमोने में घी डालने से। अब इसको हम चला देते हैं। यहाँ पर मैंने गांव का देसी चावल बनाया था निमोने के साथ, और साथ में मेरा निमोने की सब्जी बनकर रेडी हो गया। बहुत ही अच्छा बना है, बहुत टेस्टी भी बना है। और ये देखिए एकदम चावल के साथ खाने के लिए एकदम रेडी है। आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन चावल के साथ ज़्यादा ही पसंद लगता है खाने में। तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आप लोग को हमारे ये खेत के ताज़े निमोने कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।